हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस एक्सेस के बारे में बताएंगे। जी हाँ, हम एमएस एक्सेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 1 है। हमें काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर एमएस एक्सेस की कंप्लीट वीडियो बनाएं, एमएस एक्सेस का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आएँ। तो आप सभी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वन बाय वन ट्यूटोरियल प्रोवाइड करेंगे। आशा करते हैं कि सीरीज को, इस ट्यूटोरियल को आप ध्यान से देखोगे और कुछ नया सीखोगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब तक हम एमएस वर्ड कंप्लीट करा चुके हैं, एक्सेल कंप्लीट करा चुके हैं, पावर पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं, और अब बारी है एमएस एक्सेस की। यदि आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की कोई भी वीडियो देखनी है, कोई भी ट्यूटोरियल देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जानकारी ले सकते हो। और इस वीडियो में हम आपको एमएस एक्सेस की इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग बताएंगे कि एमएस एक्सेस होता क्या है। वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम की वीडियो है। उसके बाद आउटलुक भी कराएंगे, जो कि आने वाले ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं एमएस एक्सेस की। एमएस एक्सेस होता क्या है? एक डाटाबेस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। अब ये डाटाबेस क्या होता है? डीबीएमएस का आपने शायद नाम सुना होगा। अगर नाम नहीं सुना होगा तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। किसी डाटा को मैनेज करना, किसी डाटा को कंट्रोल करना, किसी डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, एडिट करना, डीबीएमएस कहलाता है। मतलब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इसके लिए आप अनेक सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो, आप किसी अदर थर्ड एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, आप एमएस एक्सेस का यूज़ कर सकते हो, आप ओरेकल का यूज़ कर सकते हो, आप एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो माना गया है वो एमएस एक्सेस का ही माना गया है। करने को आप ये काम एसक्यूएल में भी कर सकते हो और ओरेकल में भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने बताना है आपको एमएस एक्सेस। अब एमएस एक्सेस में होता क्या है? एमएस एक्सेस के अंदर डाटाबेस बनता है। अब ये डाटाबेस होता क्या है? जहाँ पर आप अपनी फाइल को सुरक्षित करते हो, जहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड को सुरक्षित करते हो, स्टोर करते हो और मैनेज कर सकते हो, उसे हम डाटाबेस बोलते हैं। आप डाटाबेस आप किसी को भी बना सकते हो। जैसे मैं एक पेन ड्राइव में अपना डाटा स्टोर कर रहा हूँ, अपने गाने, वीडियो, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और डाल सकते हैं। तो पेन ड्राइव क्या हो रही है? एक डीबीएमएस बन रही है, मतलब जहाँ पर हम डाटा को मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर वो एक एप्लीकेशन नहीं है, वो एक स्टोरेज डिवाइस है। तो ऐसे डीबीएमएस बनाने के लिए, ऐसा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए हमें एमएस एक्सेस की जरूरत पड़ती है। तो एमएस एक्सेस में सबसे पहले हम डाटाबेस बनाएंगे। उसके बाद हमें टेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये टेबल होती क्या है। टेबल एमएस एक्सेल की तरह वाली टेबल नहीं है, ये थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन हाँ मिलती जुलती एमएस एक्सेल की तरह ही होती है। उसके बाद हम फॉर्म क्रिएट करेंगे उसी टेबल से संबंधित, उसके बाद रिपोर्ट, उसके बाद क्वेरी। यदि आपको डाटाबेस समझ में आ जाता है, यदि आपको टेबल समझ में आ जाती है, यदि आपको फॉर्म समझ में आ जाता है, यदि आपको क्वेरी आ जाता है, रिपोर्ट आ जाता है, तो आप एमएस एक्सेस आपको कंप्लीट आ जाता है। और उसके बाद आप एक अपना अच्छा सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो, फॉर्म बना सकते हो। इसके अंदर आपको अन्य किसी एप्लीकेशन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको एमएस एक्सेस अच्छे से आ जाता है, आप खुद का एक एप्लीकेशन यानी खुद का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो एमएस एक्सेस के अंदर डाटा मैनेजमेंट का। तो ये ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 1 है। तो आशा करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल को आप ध्यान से देखें। ये बिल्कुल बिगनर से आपको एडवांस तक हम लेके जाएंगे। यदि आप हमारे सारे ट्यूटोरियल कंटिन्यू देखते हो तो आपको कोई एडिशनल कोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस। इसके लिए हम कंप्यूटर में आएंगे, अपने स्टार्ट मेनू में। आप ऑल प्रोग्राम में आओगे, आपके पास कोई सा भी वर्जन हो सकता है। मेरे पास 19 है, तो यहाँ पर मेरे पास एमएस एक्सेस के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे हमने एमएस एक्सेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर बने बनाए काफ़ी सारे हमारे पास टेम्पलेट मिल जाते हैं डाटाबेस के, यानी यहाँ पर ऑलरेडी डाटाबेस बना होता है काफ़ी सारा। यदि आप जैसे स्कूल से संबंधित कोई डाटाबेस बनाने चाहते हो तो इसमें बना बनाया है, आप इसको एडिट कर सकते हो। आप कोई एसेट से संबंधित आप देखना चाहते हो, कॉन्टैक्ट से संबंधित देखना चाहते हो, कोई इन्वेंट्री स्टॉक से संबंधित आप देखना चाहते हो, किसी भी संबंधित आप या तो देखना चाहते हो, इसमें बने बनाए मिल भी जाएंगे। लेकिन मैं रिकमेंड क्या करूँगा कि आप खुद से बनाना सीखो कि डाटाबेस बनाया कैसे जाता है, डाटाबेस होता क्या है, डाटा कैसे एंटर किया जाता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं
तो उस डेटाबेस का नाम पूछेगा, आप अपना नाम रखो, आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखो, आप अपनी कंपनी का नाम रखो, आप जिस भी चीज़ का आप नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डाटाबेस या डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और अगर आप कोई लोकेशन देना चाहते हो आप यहाँ पर लोकेशन भी दे सकते हो। फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट के अंदर इसको सेव कर रहा हूँ, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये कुछ कुछ एक्सेल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक्सेल नहीं है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें फील्ड क्रिएट करनी है, रिकॉर्ड क्रिएट करना है। फील्ड क्या होता है, देखो जो एक्सेल के अंदर रो और कॉलम होते हैं इसके अंदर फील्ड और रिकॉर्ड होता है। अब फील्ड वन बाय वन आप यहाँ से भी ऐड, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कौन सी फील्ड हमने ऐड करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है फील्ड ऐड करने में। तो इसके लिए हम यहाँ पर व्यू में आएंगे। तो जैसे हमने व्यू पे क्लिक किया यहाँ पर डाटा शीट व्यू ऑन है, ठीक है, लेकिन हमने जाना है डिजाइन व्यू में। तो जैसे हम डिजाइन व्यू पे जाते हैं यहाँ पर टेबल का नाम पूछेगा भाई कौन सी टेबल को आप डिजाइन कर रहे हो उसका नाम दें। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ स्टूडेंट। आप कोई अदर कोई क्वेरी फॉर्म रखना चाहते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म रखना चाहते हो, आप कोई भी नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। देखो ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतनी मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ यदि आप सारे मेरे ट्यूटोरियल देखते हो इन फ्यूचर वाले, तो उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या फील्ड होती है, कैसे क्रिएट करना है, कौन सा फॉर्म बनाना है। आपको मेरी या किसी अदर की जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की या बताने की। तो जैसे ही हम यहाँ पर डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक लेआउट जो है ओपन हो जाता है। इसके अंदर देखो दो ऑप्शन है, फील्ड नेम और डाटा टाइप। यहाँ पर क्या है, आपको फील्ड बनानी होगी और डाटा टाइप में आपको फील्ड जो है सेट करना होगा, यानी डाटा का टाइप जो है सेट करना होगा। कैसे, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है आईडी, यानी ये क्या है, ये एक यूनिक आईडी है, जो भी आप अपनी यूनिक आईडी रखना चाहते हो, जैसे रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नेम होता है, और सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, या कोई और अदर आपको एडमिशन नंबर दिखाना है या कुछ एनरोलमेंट नंबर दिखाना है, कोई आपने यहाँ पर आईडी जो भी आप जनरेट करना चाहते हो उसका नाम लिखोगे। फिलहाल मैं रजिस्ट्रेशन लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर डॉट नहीं लगा सकते, ठीक है, तो मैंने REG लिखा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन आईडी लिख सकते हो। अब आते हैं डाटा टाइप में। अब डाटा टाइप में क्या है, यदि ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है जिसकी भी मैं क्रिएट करूँगा वो अपने आप क्रिएट हो, तो उसके लिए हम रखेंगे यहाँ पर ऑटो ऑटो नंबर। यदि मैं चाहता हूँ नहीं वो मुझे हाथ से डालना है तो मैं यहाँ पर रखूँगा नंबर, तो फिलहाल मैं चाहता हूँ वो ऑटो जनरेट हो, तो यहाँ पर ऑटो नंबर पर हम क्लिक करेंगे। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम नॉर्मली ले लेते हैं जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम हो गया। स्टूडेंट नेम का जो डाटा टाइप होगा वो शॉर्ट टेक्स्ट होगा, लॉन्ग टेक्स्ट नहीं रखना है आपने, शॉर्ट टेक्स्ट। ऐसे ही फादर नेम, फादर नेम का टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, और ऐसे ही कोई अदर जैसे मुझे लेना है कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा नंबर के अंदर होगा, वो शॉर्ट टेक्स्ट में आपने नहीं लेना है। उसके बाद कुछ और लेना है, जैसे मुझे एड्रेस लेना है, एड्रेस में आप जैसे मैं तो इकट्ठा ले रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर सिटी डालना है, आप अलग अलग भी डाल सकते हो, जैसे एड्रेस सिटी, हाउस नंबर, गली नंबर, अलग अलग फील्ड बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, स्टेट का, कंट्री का, पिन कोड का आप बनाना चाहते हो बना सकते हो स्टेट। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे फिलहाल, बाद में इसको मैं मैनेज करना सिखाऊंगा। उसके बाद जैसे मुझे ईमेल एड्रेस लेना है तो वो भी ले सकता हूँ मैं, ईमेल हो गया हमारा। तो ईमेल जो होता है हमारा वो होता है हाइपर टेक्स्ट, आपने यहाँ पर हाइपर लिंक जो है वो सेलेक्ट करना है क्योंकि लिंक क्रिएट होता है यहाँ पर। और क्या हो गया, जैसे फ़ोटो हो गई हमारी, फ़ोटो आप ले सकते हो, फ़ोटो फ़ोटो आपको दिखाना है क्योंकि फ़ोटो अटैच करनी होती है तो अटैचमेंट आएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जैसे डेट ऑफ बर्थ होगी तो डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो आप यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर आएगा डेट एंड टाइम में, ये रहा हमारा डेट एंड टाइम। उसके बाद और भी फील्ड आपको लेनी है आप ले सकते हो, देखो वीडियो लंबी हो जाएगी यदि मैं एक एक फील्ड लूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ कंप्लीटली एक सॉफ्टवेयर मैं आपको इसमें ज़रूर बना के दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। फिलहाल हमने देखा कि
यहाँ पर हमने एक फील्ड क्रिएट करी है कुछ, और उनके यहाँ पर सेट कर दिए हैं डाटा टाइप। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर आके सेव करना है। सेव कर दिया, सेव करने के बाद वापस आएंगे व्यू के अंदर। यहाँ पर डाटा सीट व्यू में हम वापस आएंगे। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो देखना कि जो हमने फील्ड बनाई थी वो हमारी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर अपने आप बन के आ चुकी है। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, सिटी, ईमेल, फोटो का आइकन ऐसे ही आता है, डेट ऑफ बर्थ, या कोई और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब वो तो बात ठीक है, अब इसके अंदर डाटा एंटर कैसे होगा? डाटा एंटर ऐसे होगा, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नेम मैंने लिख दिया रवि, तो जैसे मैंने रवि लिखा तो आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, क्योंकि उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। रवि कुमार हो गया, फादर नेम हो, मैं डेमो के लिए कुछ भी मान रहा हूँ, आप जो आपका लीगल डाटा होगा वो एंटर करें आप यहाँ पर। उसके बाद सिटी, अब जैसे मैंने यहाँ पर सिटी डाल तो दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि करनाल अपने आप आ जाए, या यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आए जिसमें मैं अपनी सिटी चूज कर सकूँ, तो वो आगे बताऊँगा, बने रहे हैं अभी। अब रवि, यहाँ पर ईमेल एड्रेस आएगा। और हाँ, फोटो फोटो के लिए आप यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक विंडो खुलेगी, यहाँ पर ऐड में आएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी स्टूडेंट की फ़ोटो होगी वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे, और यहाँ पर वो फ़ोटो आ जाएगी, उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पर देखो लिखा भी आ जाएगा फ़ोटो 1, इसे इसका मतलब है कि वो अपलोड हो चुकी है। डेट में, डेट ऑफ बर्थ में आएंगे, यहाँ पर आप स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे, कोई और है फील्ड होगी तो आप उनको भी इंसर्ट कर सकते हो। अब ये एक डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया, उसके बाद मुझे दूसरा डालना है, तो यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया सीमा देवी। अशोक कुमार, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, सिटी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है सिटी वो अपने आप आए, ठीक है, तो उसके लिए करेंगे क्या हम, उसके लिए हम वापस से आएंगे यहाँ पर डिजाइन व्यू में, और यहाँ पर आएंगे हमारा जहाँ पर एड्रेस था, तो एड्रेस में यहाँ पर जैसे मैं एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा इस चीज़ को आपने देखना है, वैसे मैं आने वाली वीडियो में इनको डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो आप वैल्यू लिखोगे वो अपने आप आएगी, तो मैंने लिख दिया करनाल, मेरी सिटी करनाल है, आपकी सिटी जो है वो आप सेट कर सकते हो। अब ये सेट करने के बाद, सॉरी कहीं गलत क्लिक नहीं हो गया, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिटी पे करनाल डाल दिया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ जाएगा वो, उसके बाद कुछ नहीं करना, सेव करना है। सेव करने के बाद वापस से आपने यहाँ पर डाटा शीट में आना है, और यहाँ पर आपने, सॉरी, ये डाटा आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जब मैं न्यू डाटा लाऊंगा ना तब आएगा, फिलहाल तो मैं कुछ और डाल देता हूँ, KUK डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर सीमा gmail.com, यहाँ पर फोटो डबल क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर आप फोटो ले सकते हो कोई भी, ओके, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम सेट कर लेंगे। उसके बाद जैसे मैं अब यहाँ पर नया डाटा डालूँगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि करनाल ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। तो ये तो थी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि जब भी हम कोई नया डाटा डालेंगे करनाल अपने आप आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट मिले मुझे यहाँ पर, जिससे मैं अपनी सिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, अपने स्टेट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या किसी कंट्री को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम वापस से आएंगे यहाँ पर डिजाइन व्यू के अंदर, डिजाइन व्यू में अपना आएंगे एड्रेस एंड सिटी के अंदर, और यहाँ पर डाटा टाइप जो लिया था हमने, ठीक है, इसको हम 100 टैग से हटाकर यहाँ पर हम लुकअप विजार्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, कुछ नहीं करना आपने यहाँ पर, सॉरी, 2 ऑप्शन है, आई विल टाइप, और यहाँ पर और जो लुकअप फील्ड है, तो आपने आई विल टाइप पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप अपनी सिटी को जो है टाइप कर सकते हो, करनाल हो गया, जैसे KUK हो गया, सॉरी, मैंने एंटर कर दिया, एक सिटी और ले लेते हैं, कैथल, ठीक है। तो जो आपकी सिटी होंगी वो आप यहाँ पर ऐड कर लेना, और यहाँ पर आपने नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद फिनिश, ठीक है। अब यहाँ तो 100
टैक्सी आया, इसको इग्नोर करें। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद हम वापस से यहाँ पर डाटा शीट व्यू में आएंगे, और यहाँ पर जब हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे पूजा, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पर देखो, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है कि कौन सी सिटी मुझे सेलेक्ट करनी है, जैसे पानीपत है। तो ऐसे ही आपकी और फील्ड को, या जैसे क्लास नहीं क्लास है, या सेक्शन है, या रूम है, या ऑफिस है, वो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, फील्ड वाइज ऐड कर सकते हो, उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। इसको हम सेव कर लेते हैं, इसका डाटा मैनेज कर लेते हैं पहले। पूजा, फोटो पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड, ओके, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो आपने देखा कि हम इस प्रकार डाटा जो है इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है। लेकिन ऐसा डाटा तो हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, उसमें भी हमें यहाँ पर वैलिडेशन मिल जाती है बनाने के लिए। तो हमें क्या बेनिफिट हुआ एक्सेस में डाटा बनाने का? देखो, एक्सेस के अंदर आप अलग से इसका एक फॉर्म बना सकते हो, पहले इसको सेव सेव करते हैं, अलग से इसका एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब ये फॉर्म कैसे बनेगा और ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, इसको हम अलग से लुक कैसे देंगे, इसको इजी कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो में, जो कि नेक्स्ट होगी। तो आज मैंने बताया कि कैसे इसके अंदर डाटा बनाया जाता है, कैसे इसके अंदर टेबल बनाई जाती है, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया मैंने आपको। आने वाली वीडियो में फॉर्म क्रिएट करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।